हाय फ्रेंड्स, सुनीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए अरबी के पत्ते की बड़ी की सब्जी लेकर आई हूँ। देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये सब्जी सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। आइए मैं आपको इसकी सामग्री बता दूँ। पत्ते की सामग्री है, हमने 15 अरबी के पत्ते लिया है और 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी खट्टा दही। और दही नहीं है आपके पास में तो आप मठा भी ले सकते हैं जो एकदम खट्टा हो, क्योंकि जो अरबी के पत्ते हैं थोड़े खुजलाते हैं गला जब हम खाते हैं तो उसमें, इसीलिए हम खटाई डालना जरूरी है। और नहीं है तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं इसकी जगह, दही के जगह, या मठा डाल सकते हैं या आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दीजिए। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक, और ये मसाला बनाने की सामग्री है। 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 4 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा है 1 इंच, 7 से 8 लहसुन की कलियां। हमने इसको पीस कर ये पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए हम बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बॉल लिया है, इसमें घोल तैयार करेंगे जो बड़ी के पत्तों के ऊपर लगाएंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, नमक, हल्दी पाउडर, और हम 1 छोटा चम्मच ये पेस्ट डाल देंगे जो मसाला तैयार किया है, और बाकी का हम जो सब्जी बनाएंगे उसमें डालेंगे। और ये दही डाल दिया। देखते हैं कि हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, इसे हम अच्छे से घोल लेते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे हम, टाइट हो रहा है, और अच्छे से बढ़िया बैटर तैयार कर लेंगे। टाइट बैटर तैयार करना है हमें। देखिए इतना ही रखना है, हमें पानी बहुत कम लगा है, 1 टेबल स्पून के बराबर। ये घोल बनकर तैयार हो गया है, हमें इतना थिक घोल तैयार करना है। देखिए हम ये अरबी के पत्ते हैं, इसको हमने ये डंठल के पास से बहुत अच्छे से कट कर लेना है। मैंने कट करके लिया है और इसे पलटा कर लेना। ये सीधा साइड है पत्ते का और ये उल्टा साइड है। देखिए बहुत हल्के हाथों से आप मटेरियल लगाइए, क्योंकि जो अरबी के पत्ते होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, मटेरियल लगाते लगाते ही कभी कभी फट जाते हैं, इसीलिए आप हल्के हाथों से मटेरियल लगाइए अच्छे से, और सब तरफ अच्छे से लगना चाहिए। देखिए हमने लगा लिया। अब इसे ये मोड़ेंगे ऐसे, ये जो लाइन गई है इसकी डंठल की यहाँ तक, और इसमें भी हम ये बैटर लगाएंगे। वैसे इस साइड का भी मोड़ लेंगे इस लाइन तक, यहाँ तक यूं, इसे भी हम मटेरियल लगा लेंगे। और अब ये डंठल तक का हिस्सा जो ये अलग अलग हुआ है यहां तक, इसे ये टर्न कर लेंगे, इसे भी हम अच्छे से बैटर लगाएंगे, और इसे हल्के हाथों से रोल करते हुए लेके जाते हैं। ऐसे पैक कर देते साइड से, बस हमारी ऐसी हम सारी बढ़िया बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए उतने मटेरियल में हमारी 15 बढ़िया बनकर तैयार हो गई है, और अब हम इन बढ़ियों को भपाएंगे। मैंने ये जाली वाला पॉट ले लिया है, इसमें हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने ऑयल लगा लिया है हल्का सा कि ये बड़ी चिपके ना इसमें, और एक एक करके हम बड़ी इसको लाइन से जमा लेंगे। देखिए हमने ये तैयार कर लिया है पॉट में, अब हम इसे गंज के ऊपर रखेंगे। हमने ये गंज रखा है और इसमें 1/2 गंजी पानी रखा है। हम गैस ऑन कर लेंगे और फुल में रखना है गैस को, और जो ये हमने जाली वाले पॉट में बढ़िया रखे थे इसको इस गंज के ऊपर, गंज का साइज इतना होना चाहिए कि ये बराबर उसमें आ सके।
ये ऊपर वाला जाली वाला पॉट, और अब हम इसे एक ढक्कन से ढक देंगे। इसे 10 मिनट तक फुल आंच में पकाएंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस बंद कर लिया है। अब इसका ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। हमने इसे गंज से नीचे उतार लिया है, इसे स्टैंड पर ले आए हैं और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जो हमने बड़ी भपाई थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए सामग्री चाहिए हमें, एक कटा प्याज, एक कटा टमाटर, एक टेबल स्पून दही, हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, और जो मसाला तैयार किया था वो 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून ऑयल लगेगा और ये गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम ये बड़ी को पहले तलकर निकाल लेंगे। एक एक करके हम बड़ी डाल देंगे तेल में। इसे हम एक साइड से अच्छे से होने देंगे। इसे हम 2 मिनट लगेगा इसे तलने के लिए। बहुत ज़्यादा इसे नहीं तलना है, हल्का हल्का सेकना बस है। अब हम इसे पलट देते हैं। हमने इसे भपा के फ्राई किया है, कुछ लोग इसे कच्ची भी फ्राई करते हैं, लेकिन कच्ची फ्राई करने में ये टूट जाती है, कभी कभी खुल जाती है, इसीलिए अगर आप भपा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसे बस 2 मिनट लगता है सेकने के लिए। देखिए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह सीख चुकी है। हमने इसे मीडियम फ्लेम में बनाया है, इसे 2 मिनट लगा है पकने के लिए। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम ग्रेवी तैयार करेंगे। देखिए कितने अच्छे से तलकर तैयार हुई है, बस हमें 2 मिनट लगा है इसे। हम गैस को सिम पे ही रखेंगे क्योंकि ये पहले से ही तेल गरम है। इसमें हम प्याज डालेंगे। देखिए प्याज भी अच्छी तरीके से भून चुके हैं, लाल हो गए हैं। अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। देखिए मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये टमाटर डाल देते हैं, कटा हुआ टमाटर। इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम में भूनते हैं। अब हम देखिए टमाटर भी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें ये दही डाल देते हैं। दही को भी थोड़ा सा 4-5 सेकंड भून लेंगे और अब हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, 250 ml का कप है ये। अगर आप ग्रेवी पसंद नहीं करते हैं तो आप पानी ना डालें, ऐसी सूखी सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसे उबाल आने, देखिए उबाल आ चुका है इसमें। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसमें एक एक करके ये जो बड़ी डाल देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हम ढक्कन ढक देते हैं और इसे कम आंच में पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुका है, हमारी बड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं
और इसमें ये आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। देखिए हमने सब्जी बनाकर तैयार कर ली है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। इतनी सब्जी चार लोगों के लिए सफिशियंट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूले। इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। यह बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।